नमस्कार, मैं विपिन चौधरी और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। दिनों दिन बढ़ रहा वायु प्रदूषण सबकी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में क्या करें, देखते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि औषधि पौधे लगाने से हम वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश वर्मा का कहना है कि खसपामा, रोजवच और तुलसी के पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। इन्हें घरों के आसपास लगाने से वायु प्रदूषण कम होने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। इन्हें बगीचे या गमले में लगाने से वहाँ की हवा को शुद्ध रखा जा सकता है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि एरेका पाम एक ऐसा पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ऑक्सीजन में बदल देने की क्षमता रखता है। साथ ही यह हवा को फिल्टर कर उसे शुद्ध बनाने में यह पौधा मददगार है। इसलिए सोसाइटी और घरों में ऐसे पौधे लगाने जाने चाहिए जिसकी पत्तियां खुश्क और रेशेदार होती हैं। इसे वातावरण काफ़ी अच्छा रहता है। वैज्ञानिक राजेश वर्मा ने बताया कि एलोवेरा में कई सारे औषधीय गुण मौजूद हैं। ऐसे पौधों को उगने के लिए पानी की जरूरत भी कम होती है। यह वातावरण को शुद्ध रखने के साथ कई प्रकार की बीमारियों का भी हरण करता है। इसी प्रकार तुलसी को बहुत बड़ी औषधि माना गया है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों को कम करने और वायु प्रदूषण को बचाने का एक कारगर उपाय है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।